गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में साइतामा और शिनोबी के बारे में, कि दोनों के बीच में क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसके प्राइस में लगातार यहाँ पर ऊपर जा रहा है, और वहीं साइतामा के प्राइस की बात करें तो लगातार डाउन की तरफ जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। हे गाइज, वेलकम अगेन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइतामा को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के टाइम में साइतामास को लॉन्च करना था, और आप लोगों को भी पता है कि इसका जो प्राइस था वो लगातार ऊपर जा रहा था, क्योंकि आज के दिन में साइता मास्क लॉन्च होने वाला था चौथी बार। जी हाँ गाइस, 3 बार पहले भी फेल हो चुका था, और यही नतीजा है कि सही ढंग से किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं करने का। देन आफ्टर आप देखोगे कि अभी का जो करेंट प्राइस है वो 22.11% माइनस में जा चुका है। जी हाँ गाइस, ये हालत है साइतामा का, बहुत गंदा हालत है। इतना बुरा हालत का हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे। आप देख सकते हैं वन डे का जो ग्राफ है कितना बुरी तरीके से यहाँ पे गिर चुका है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो कितना बुरी तरीके से यहाँ पर डाउन जा चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है गाइस? आज चौथी बार इसे लॉन्च होना था, और इस बार इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि सही ढंग से लॉन्च कर दिया जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, तो इसके रिसेंट ट्वीट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कॉन्फिडेंट थे कि इस बार गलती नहीं होगी। बट यहाँ हुआ इसके ठीक उल्टा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, कुछ यूजर्स जो हैं वो लगातार यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि साइतामास्क इज नॉट वर्किंग अगेन। और गाइज, मैंने खुद भी ट्राई किया था और मुझे भी 401 का एरर आ रहा था। सो यही एक रीज़न है कि साइतामास्क बुरी तरीके से यहाँ पर गिर रहा है, और डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा गंदा गिर सकता है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के कई लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, बट आज जिस तरीके से इन्होंने किया है अभी तक वो बहुत ही बुरा हुआ है गाइस। आप समझ सकते हो कि इनके जो वादे हैं बहुत बड़े बड़े वादे हैं गाइस। इनके जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, सीओओ हैं, सीएमओ हैं, जो भी है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। डायरेक्ट टक्कर लेने की कोशिश करते हैं सिंजा के साथ में। इनको सिंजा का जो प्रोग्रेस है ना, देखा नहीं जा रहा है साइतामा से। और यही रीज़न है कि जब जब साइतामा कोई नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, जब भी नए लिस्टिंग करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस को अफेक्ट करने के लिए नए नए दावे कर दिए जा रहे हैं कि साइतामास्क को लॉन्च कर दिया जाएगा। और जब साइतामास्क को लॉन्च करते हैं तो बिल्कुल भी इनकम्प्लीट और बिल्कुल भी फेलियर है। सो किसी को अगर आप कॉम्पिटिट करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी आप पहले पूरा कर लीजिए, देन आफ्टर आप कॉम्पिटिट कर सकते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जो वाकई में बहुत कम टाइम में इतना बड़ा कम्युनिटी को खड़ा कर चुका है। इतना आसान नहीं होता गाइस साइतामा के लिए कि इतनी भी जल्दी यहाँ पर शिनोबी को टक्कर दे सके। एक इतना कम टाइम में आया हुआ एक मीम टोकेंस जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आए दिन एक के बाद एक एक्सचेंज पे लिस्ट होते जा रहे हैं, और इसका जो प्राइस है स्काई रॉकेट की तरह ऊपर ही भागता जा रहा है। जबकि आप इसको देखोगे तो जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है गाइस। गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शिनोबी यानी कि सिंजा जो है ऊपर जा रहा है, और साइतामा बुरी तरीके से लुढ़क रहा है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से साइतामा के कुछ दो तीन रीजंस है जिसके वजह से यहाँ पर बुरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है गाइस कि आने वाले टाइम में इसका परिस्थिति क्या होगा सिंजा के मुकाबले? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ गाइस, मैं यहाँ पर किसी भी क्वाइन को हेट नहीं करता हूँ, जस्ट मैं साइतामा के डेवलपर से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है तो यूजर्स के सामने आप लेकर के ना आए। सबसे पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें, देन आफ्टर आप यूजर के सामने आप साइतामास्क जैसे प्रोजेक्ट को रखें। तो आपको क्या लगता है गाइज, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।